हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की हमारी पूरी वीडियो होने वाली है एक ही टॉपिक पे और वो है स्ट्रेटनर। जब भी यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जिसके अंदर आपको मेरा स्ट्रेटनर नजर आ रहा होता है, तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सा स्ट्रेटनर यूज करती हैं, कौन सी कंपनी है, स्ट्रेट करता है, कर्ल करता है, प्राइस क्या है, कहाँ से मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में सारी की सारी चीजें बता दूंगी। वैसे मैं बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कॉमेंट्स में रिप्लाई कर चुकी हूँ कि कंपनी का क्या नेम है, प्राइस वगैरह से रिलेटेड हर चीज, और मैंने कॉमेंट पिन भी किया है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो इसलिए अब मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं। जल्दी से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। जो स्ट्रेटनर मेरे पास है वो है जी रिमिंगटन प्रो लक्स। रिमिंगटन ब्रांड का नाम है और प्रो लक्स है जी सीरीज का नाम। इसका यहाँ पे डिस्प्ले आता है कि आपका जो स्ट्रेटनर है वो कितने टेम्परेचर पे चल रहा है। यहाँ से ये होता है लॉक, यहाँ से आपका स्ट्रेटनर लॉक हो गया और यहीं से आप इसको ऊपर की तरफ को प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे इसके ये वाले तीन बटन्स हैं, यहाँ से स्विच ऑन होगा, ऑफ होगा, यहाँ से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ से डिक्रीज होता है। मैं आपको स्विच ऑन करके दिखा देती हूँ। ये यहाँ से अब मैं प्रेस करूंगी और ये आ गया जी इसका डिस्प्ले। मैक्सिमम टेम्परेचर इसका जाता है 230 पे। ये स्ट्रेटनर मैंने आज से कोई 4.5 साल पहले खरीदा था, जब मैं यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में थी, और ये अब तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप इसकी हालत से देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना यूज किया है। इसको मैंने खरीदा था इम्तियाज से, वहां पे जाके आप चेक करके देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन ऑर्डर ना करें, क्योंकि रास्ते में आते आते होता है समटाइम्स के इस तरह की चीज डैमेज हो जाती है, और वैसे भी स्ट्रेटनर आपका आया आप उसको चला के देखें, फिर एक्सचेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप आराम से अलफते या इम्तियाज जाएं, वो आपको ऑन करके दिखा देंगे, तो आप अपनी तसल्ली करके इसको ले सकते हैं। अब आते हैं जी इसकी प्राइस पे। जब मैंने ये खरीदा था ना इम्तियाज से, तब इसकी प्राइस थी 7,000 से 8,000 के बीच में। उसके बाद आज से कोई 1-1.5 साल पहले इमान ने खरीदा था, इमान मेरी बहन है, और तब इसकी प्राइस थी 9,000 से 10,000 के बीच में। तो अब मुझे नहीं याद कि 1.5 साल के बाद इसकी प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई होगी। आप अलफते इम्तियाज जाएं, वहां से आप प्राइसेस चेक कर लें, या फिर आप ऑनलाइन ये लिखेंगे रिमिंगटन प्रो लक्स, तो वहां पे आ जाएगा कि आजकल इसकी क्या प्राइस चल रही है पाकिस्तान में। ये स्ट्रेट भी बहुत अच्छा करता है और कर्ल भी बहुत अच्छा करता है। इसकी अगर आप शेप देखेंगे ना, तो यहां से बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा राउंड है। जो स्ट्रेटनर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ना, उनसे कर्ल करना काफी मुश्किल हो जाता है और स्मूथ कर्ल्स नहीं आते आपके, लेकिन इससे बहुत अच्छे कर्ल्स होते हैं इसकी शेप की वजह से। आप इसकी शेप चेक कर लें, और इसके साथ स्ट्रेटनिंग भी बहुत अच्छी होती है। जब भी आपने स्ट्रेटनर लेना है तो आपने इस तरह से करके स्ट्रेटनर को चेक करना है। आप देखें इसकी दोनों प्लेट्स कितने अच्छे से मैच कर रही हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं है। इस तरह के स्ट्रेटनर हमेशा अच्छी स्ट्रेटनिंग और अच्छी कर्लिंग करते हैं। हमेशा इस तरह चेक करके आपने स्ट्रेटनर लेना है। दोनों प्लेट्स एक साथ अच्छे से मैच करनी चाहिए। आपको ना लाइव डेमो दे देती हूँ, स्ट्रेट और कर्ल करके दिखा देती हूँ। हाफ वालों में स्ट्रेट कर लेंगे, हाफ वालों में कर्ल कर लेंगे। स्ट्रेटनिंग का शायद आपको इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी काफी स्ट्रेट है, सिर्फ यहाँ पे वेव आ रही है, लेकिन ईमान के बाल काफी कर्ली हैं। ईमान मेरी बहन है, पहले भी शायद मैंने बताया, तो ईमान के बाल काफी वेवी और कर्ली से हैं। ये उन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। 4-5 साल मैंने इसको यूज किया है, ये बिल्कुल भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने अपने पैसों से ये खरीदा था। आप लोगों के सवाल बहुत सारे आते थे इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ। सेंटर में से मैं पार्टीशन कर लेती हूँ। इधर वाली साइड पे हम कर्ल कर लेंगे और इधर वाले बालों को स्ट्रेट कर लेंगे। हाफ इस साइड पे आ गए, हाफ इस साइड पे आ गए। पहले मैं आपको ना इस साइड पे कर्लिंग करके दिखा देती हूँ। ये स्ट्रेटनर आ गया, इसको मैं ऑन कर लूंगी। 230 पे ही रख के मैं मोस्टली स्ट्रेट और कर्ल कर रही होती हूँ, और ये आपके बालों को उतना डैमेज नहीं करता। मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल डैमेज नहीं करता, जहरी सी बात है, अगर आप बालों को हीट दे रहे हैं, आप बालों को ब्लो ड्राई कर रहे हैं, आप बालों को स्ट्रेट या कर्ल कर रहे हैं, तो बाल थोड़े बहुत डैमेज तो होते ही होते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली बाकी स्ट्रेटनर्स के आपके बालों को काफी हद तक कम डैमेज करता है। ये आगे जी बाल, इसको मैं 1-2 मिनट के लिए ना गर्म होने दूंगी। यहां से मैं इतना सा सेगमेंट उठाऊंगी। ये आ गया जी स्ट्रेटनर, सब आपके सामने है। अभी आप देखिएगा, ये मैंने रखा, आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं नीचे की तरफ को मूव करूंगी।
और अभी आप देखिएगा, ये देखें, इस चीज के बारे में मैं बात कर रही थी कि ये बहुत ही स्मूथ कर्ल करता है। जो स्ट्रेटनर यहां से बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं वो इस तरह से कर्ल नहीं करते। आप इसका कर्ल चेक कर लें। अब ना जल्दी स्पीडो स्पीडी बाकी सारे कर्ल्स कर लेते हैं। मैं ना आपको ये वाला जो सेकंड सेगमेंट है ये भी स्लो करके दिखा देती हूँ जरा। ये देखिएगा अभी आप, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको नीचे लेके जाना है और ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेता, बड़ी जल्दी आपके सारे बाल कर्ल कर देता है। ये देखिए, ठीक है जी। अब जरा मैं वीडियो को स्पीड अप कर देती हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, आप यहां से शुरू कर लें, यहां से कर लें, बिल्कुल आप एंड से शुरू कर लें, डिपेंड्स कि आपको किस तरह के कर्ल चाहिए। आपने कर्ल करने के बाद कभी भी ऐसे नहीं करना कि कर्ल करने के फौरन बाद आप अपनी जो उंगलियां हैं उससे कर्ल्स को खोलना शुरू कर दें। इनको आपने कूल डाउन होने देना है, ठीक है, और फिर हम इसको हल्का हल्का सा स्टाइल कर लेंगे, जिस तरह से आपने कॉम करना है, आपने फिंगर्स के साथ इनको हल्का सा रफ करना है। लेकिन आपने जो भी करना है इनको कूल डाउन होने देना है और फिर आपने इनके साथ कुछ छेड़ाछाड़ी करनी है। ये वाली साइड आप देख लें, स्ट्रेटनिंग तो ये बहुत ही स्पीड में कर देता है। यहां पे हल्का सा वेव था आपके सामने, 2 मिनट में खत्म, 2 मिनट में वेव खत्म। ऐसे झटके में ये स्ट्रेट करता है बालों को। देखिए नीचे से बाल देखें, सारे बालों को ही एक दफा करूंगी और देखिएगा आप, ये देखें बाल कैसे बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। ये आप देख सकते हैं बालों को इसने कितने अच्छे से स्ट्रेट कर दिया है, बालों को कितने अच्छे से इसने कर्ल कर दिया है। फाइनल रिजल्ट आपने देख लिया है। यहाँ पे हमारी वीडियो होती है जी खत्म। आई होप यू गाइज लाइक इट। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल हो और फ्यूचर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी अच्छी जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइज सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें।